बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम हम आज के सेशन को uh, स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो सेशन है इसमें हम चैप्टर नंबर थर्टीन इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे कलर कोड्स ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स हम आगे uh, इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं uh, लेकिन उसके आगे दो सब सेक्शन है इसी टॉपिक की हेडिंग में आ रहा है क्रियोस्टेट दूसरा है थर्मिस्टर तो हम इनशा उन दोनों टॉपिक्स को भी देखेंगे uh, आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए मैं इन कंटेंट्स को फॉलो तो करूंगा लेकिन मैं चाहूंगा कि कार्बन जो रजिस्टर्स हैं, uh, उनका कलर कोड एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए सो so, क्विकली मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आई विल नोट टेक मच टाइम ऑन दिस पार्ट सो कार्बन रजिस्टर जो ये बने हुए होते हैं uh, ग्रेफाइट के जो कि कार्बन की ही एक फॉर्म है और ग्रेफाइट के साथ साथ आ, के 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 मटेरियल्स क्या होते हैं जैसे चीनी के बर्तन वो वाले बर्तन नहीं जिसमें चीनी पड़ी होती है बल्कि वो वाले बर्तन जो कि चीनी जिसे हम कहते हैं ना कि चीनी के बर्तन आए क्ले के बने हुए सो इनके कम्बिनेशन अमेलगमेशन से बनते हैं इस तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपने अक्सर देखा होगा Uh, कि इस तरह के कंपोनेंट्स हैं वो अटैच मौजूद आपको नजर आएंगे अह uh, आपके सर्किट बोर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक जो आपके चार्जर्स हैं या आपके टेलीविजन है या इसके अलावा आप अगर रिमोट कंट्रोल रिमोट कंट्रोल्ड जो, जो डिवाइसेस हैं उनको देखें तो इंशाल्लाह उनमें आपको ये नजर आएंगे सो वेरी इंपोर्टेंट टू लिमिट द करंट हमने uh, इसका टेबल देखा था उस टेबल में हमने देखा था कि हम कलर के जरिए किस तरह से ये पहचान सकेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है तो ये टेबल आपको याद रखने के लिए मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था जो कि था बीबी रॉय गो ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जिसमें बी से मुराद जीरो है ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रे ब्लू वायलट ग्रे और उसके बाद वाइट तो so, ये कोर्ड्स को याद रखने के लिए एक सेंटेंस है अक्सर में हम मैं तो इसी को या, म, हमारे टीचर ने भी ये इसी तरह के सेंटेंसेस बताए थे ताकि हम इनको आसानी से याद रख सकें तो आप इसको यूज कर सकते हैं तो चार बैंड होते हैं कलर के फोर बैंड ऑफ कलर होते हैं जिनमें से पहला बैंड जो है पहला डिजिट बताता है दूसरे बैंड से हमें दूसरा डिजिट पता चलता है मसलन अगर पहला बैंड है रे, रेड तो रेड का मतलब होगा टू तो मैं पहले लिख दूंगा आ, टू और अगर दूसरा बैंड जो है वो है आपका ब्राउन तो ब्राउन का मतलब है वन तो मैं फिर लिख दूंगा वन तो पहला डिजिट फर्स्ट बैंड दूसरा डिजिट दूसरा बैंड तीसरा डिजिट क्या बताता है तीसरा डिजिट बताता है तीसरा कलर बताता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे आफ्टर फर्स्ट टू पहले दो डिजिट के बाद कितने जीरोज आएंगे मसलन अगर आपका तीसरा कलर येलो है तो येलो का मतलब है फोर्थ तो फोर का मतलब है चार बार दस हजार से मल्टीप्लाई कर दिया है सो ये मेथड है इसके बाद है जी फोर्थ बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस को तो टॉलरेंस क्या चीज है मिठल uh, कुछ पूछना चाहते हैं जी मिठल आप बताए जल्दी से पूछे

तो uh, टॉलरेंस to क्या होती है जी फोर्थ uh, जो बैंड है वो जाहिर करता है कि टॉलरेंस कितनी है टॉलरेंस के हवाले से मैंने बताया था कि आपको जब आप किसी सर्किट में किसी रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो टेम्परेचर के तब्दील होने के साथ उसकी जो कीमत है वो भी तब्दील होती जाती है तो एक खास मिनिमम वैल्यू से लेकर एक खास मैक्सिमम वैल्यू तक उसकी रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू हो सकती है एट अ गिवन टेम्परेचर सो दैट इज दरेंस एक फैक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है कि इस रेजिस्टेंस की कीमत में कितनी कमी बेशी हो सकती है तो फर्ज करेंगे वो है आपका सिल्वर uh, का तो so सिल्वर का मतलब है टेन परसेंट कमी बेशी हो सकती है इसकी मार्क्ड वैल्यू से ठीक है जी सो गोल्ड के लिए फाइव परसेंट सिल्वर के लिए टेन परसेंट और अगर कोई फोर्थ बैंड ना हो तो ट्वेंटी परसेंट Uh, हमने एक मिसाल की थी जिसमें हमने देखा था रेड था बी बी डोए, तो रेड का मतलब है बी बी रॉय बी बी आर आर का मतलब है जीरो के लिए टू आ गया मैंने टू लिख दिया uh, ब्लैक ब्राउन uh, तो अब ब्लैक है ब्लैक के लिए जीरो आएगा तो मैंने ब्लैक की जगह पे सेकंड ईयर जीरो लिख दिया फिर क्या है uh, ग्रीन है बी बी जी uh, ग्रेट

तो इसका आप टेन परसेंट निकाल लीजिएगा इसका टेन परसेंट आप निकाल लेंगे तो एक जीरो कम कर दें इट विलउंड जीरो सो कितने ऑलरेडी uh, थे तो फाइव बचेंगे तो ये वाली वैल्यू आप प्लस भी कर दें एक बार और एक बार माइनस भी कर दें तो आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में वैल्यू पता जाएगी फिर हमने so, एक मिसाल जी 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 फिर दोस्त जी okay, रिपीट कीजिएगा ओके सो थैंक यू थैंक यू सो अगेन एक किताब की एग्जांपल है वो एग्जांपल किया जी ब्राउन है यहाँ पर ब्राउन के लिए वन लिख दिया ग्रीन के लिए फाइव लिख दिया और फिर रेड है रेड का मतलब है टू टू का मतलब है टू जीरोस लिख दिए फिर गोल्ड है गोल्ड का मतलब है फाइव परसेंट टॉलरेंस होगी मार्क्ड वैल्यू से पांच फीसद इसमें कमी बेशी हो सकती है uh, तो वो आया सेवेंटी फाइव मैंने सेवेंटी फाइव को ऐड किया तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई सब किया तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस की कीमत Uh, इस मिनिमम वैल्यू से लेकर इस मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में किसी भी uh, खास न्यूमेरिकल uh, वैल्यू को कंटेन कर सकती है सो इट कैन बी समवेयर अराउंड बिटवीन दीज टू बाउंड्री पॉइंट्स सेकेंड एग्जांपल आपकी इसे थी वो आपने कर ली होगी सो so, मेरा ख्याल है इतना रिवाइज करवाना मुनासिब है आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ले जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सेकेंड वाला पार्ट आ गया हमारा रियोस्टैट रियोस्टेट uh, क्या होता है जी आपकी uh, जो लैब uh, है फिजिक्स की उसमें रियोस्टेट जो है वो रियोस्टाइट ईयर के प्रस में अक्सर इस्तेमाल होता है रियोस्टेट क्या है ये एक वेरिएबल रजिस्टर है वेरिएबल में ये यहाँ पे दो तार एक तार इधर कनेक्ट कर देते हैं ये फिक्स पॉइंट होता है दूसरी तार यहाँ पर कनेक्ट की जा सकती है ये दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं मैं इन पे क्रॉस लगा देता हूँ ये दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं ये चेंज नहीं हो सकते यानी कि आप देखें तो यहाँ पर एक वायर जो है वो लिपटी हुई है ये पूरी वायर लिपटी हुई है आ, हजारों की तादाद में आ, या सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर वाइंडिंग है तो ये तार का एक सिरा हम यहाँ पे लगा देते हैं और एक सिरा यहाँ पे अगर लगा देंगे तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू आपको दे सकता है इन दोनों के दरमियान में ये इसकी रेजिस्टेंस क्योंकि वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है एक तीसरा पॉइंट होता है वो तीसरा पॉइंट कौन सा होता है वो वेरिएबल पॉइंट होता है वो ये वाला पॉइंट है सी यहाँ पे जब हम कोई तार जोड़ देंगे तो ये वाला जो आपको ऊपर कॉन्टेक्ट नजर आ रहा है ना ये वाला इसको हम लेफ्ट और राइट स्लाइड करके इसको तब्दील कर सकते हैं इसके रेजिस्टेंस की कीमत को तब्दील कर सकते हैं तो रियोस्टेट क्या है रियोस्टेट सिंपली एक मैग्नेट एक मटेरियल है मैग्नेट की मटेरियल की बनी हुई एक वायर होती है बिल्कुल बेयर बगैर किसी इंसुलेशन के और इसको वाइंड किया जाता है किसी सिलेंडर पे जैसे देखें ये आपको कोर नजर आ रही है इस कोर के ऊपर उसने वाइंड किया हुआ है और ये रियो बन गया अभी हम देखेंगे कि इसके यूजेस कैसे आएंगे कौन कौन से यूजेस होंगे फिलहाल आप देखें तो इसकी सर्किट डायग्राम ज्यादा क्लियर है कितने टर्मिनल्स हैं दो टर्मिनल्स हैं ए और बी आर फिक्स टर्मिनल्स और सी जो है इसको स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट क्योंकि इसको हम स्लाइड कर सकते हैं बड़ा आसान اصول है बड़ा ही आसान اصول है इस डायग्राम में आप देखें तो अगर मैं किसी सर्किट में वही वाले ये उसकी एक सिंपलीफाइड फॉर्म है फ्रॉम योर बुक तो ए वाला टर्मिनल ये है और सी वाला टर्मिनल ये है अभी हम रियोस्टेट को यूज कर रहे हैं एज वेरिएबल रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब है कि हम चाहते हैं के इस सर्किट में रेजिस्टेंस को तब्दील करके देखें तब्दील कर सकें तो कैसे करेंगे चले मैं एक सादा सर्किट बनाता हूँ फर्ज करें बैटरी है और बैटरी के साथ एक बल्ब लगा हुआ है मैं चाहता हूँ इस बल्ब की रोशनी को कम ज्यादा करके चेक कर तो मैं जो दूसरा टर्मिनल है ना ये स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ जोड़ दूंगा इसको यूज नहीं करना याद रखें जब आपने रियोस्टैट को एज़ वेरिएबल रेजिस्टर यूज करना है तो आपने सिर्फ सिर्फ दो टर्मिनल यूज करने हैं एक फिक्स पॉइंट ए और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल सी अच्छा अब क्या होगा करंट यहाँ से आएगा कन्वेंशनल करंट को देखते हैं यहाँ से करंट गुजरने के बाद इतने हिस्से को पाथ को फॉलो करेगा और फिर यहां से इस पॉइंट से यह चले जाएगा ऊपर आउटपुट टर्मिनल को फॉलो करके यहां पे ये ग्लो करेगा और ये नेगेटिव ये सर्किट का बात पूरा हो गया यहाँ पर करंट नहीं आएगा अब आप नोट करें बड़ा ही आसान है बड़ा ही आसान है कि अगर हम स्लाइडिंग टर्मिनल को यहां से मूव करके इस तरफ लेके आए ए वाले पॉइंट की तरफ तो इसके हिस्से में जो रेजिस्टेंस आएगी लेट अस से कि इसके रेजिस्टेंस में uh, इसके हिस्से में जो रेजिस्टेंस आती है वो स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है स्मॉल आर का डायरेक्ट रिलेशन है कि कितनी लेंथ ऑफ वायर शामिल हो रही है तो अगर मैं इसको टर्मिनल ए की तरफ लेके स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करके ए की तरफ लेकर आऊं तो हमारे रियोस्टेट की लेंथ ऑफ वायर कम हो जाएगी जब कम लेंथ शामिल होगी तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस भी uh, कम होगी सो इट मीनस के अभी uh, आपका बल्ब को ज्यादा करंट मिलेगा लेकिन अगर आप स्लाइडिंग टर्मिनल को यहाँ से मूव करके ले जाएं दूसरे वाले पॉइंट की तरफ यानी पॉइंट बी की तरफ स्लाइड करें तो जब आप इसको पॉइंट बी की तरफ स्लाइड करेंगे तो फर्ज करें आप यहाँ पर ले आए इस पॉइंट तक ले आए फर्ज करें तो जब आप यहाँ तक ले आएंगे तो आप इसके हिस्से में जो रेजिस्टेंस आएगी वो पहले से बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि लेंथ भी ज्यादा शामिल हो गई है सो so, इन शोर्ट कहने का मतलब ये है कि हम स्लाइडिंग टर्मिनल सी को ए या बी की तरफ स्लाइड करके हसबे जरूरत एक खास जीरो वैल्यू से लेकर एक खास वैल्यू आर तक इसकी रेजिस्टेंस को तब्दील कर सकते हैं इसके ऊपर लिखा होता है कि ये 500 सो का रियो स्टैट है तो अगर 500 सो का रियो स्टैट है तो इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 500 और अगर आप मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो जीरो से पांच सौ के दरमियान में कोई भी रेजिस्टेंस आप यहां से सेट कर सकते हैं को वेरीफाई करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं uh, क्योंकि में uh, आपको बताया कि अगर हम वोल्टेज को वेरी करें तो करंट को भी वेरी होना चाहिए सो इट कैन बी यूज एज वेल फॉर ओवर डे सो अभी मैंने रियोस्टैट का आपको पहला यूज दिखाया जिसमें हमने रियोस्टैट को यूज किया है एज अ वेरिएबल रजिस्टर जी पूछें प्लीज सर अगर डायरेक्ट पॉइंट ए पे दूसरी वायर भी हम लगा दें जो हमने टर्मिनल पे लगाई हुई है तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगी जी बेटा फिर तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा ना फोर्थ हो जाएगा इसका मकसद क्योंकि मकसद है रेजिस्टेंस को वेरी करना तो अगर दोनों सेम टर्मिनल पे लगाए जाएंगे तो रुकावट कोई नहीं रहेगी सो so, इसलिए मुनासिब नहीं है ठीक है जी शुक्रिया। so, जी। जी। जी जी uh, हाँ जी बहुत से सर्किट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने करंट को लिमिट करना होता है यानी करंट की कीमत को तब्दील करना होता है अपनी जरूरत के मुताबिक या पोटेंशियल को तब्दील करना होता है अपनी जरूरत के मुताबिक तो वहां पे हम रियोस्टेट इस्तेमाल करते हैं उसकी कैपेसिटी के मुताबिक तो मकसद इसका है टू लिमिट करंट करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना या वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल करना एक्सपेरिमेंट के के लिए ना तो इसीलिए इस्तेमाल होता है मसान आप हम लोग को वेरीफाई करना चाहें ना तो हम लोगों को वेरीफाई करने के लिए आप इस सर्किट में एक एम मीटर लगा दें सीरीज में और एक साथ पेडल में लगा दें आप एक वोल्ट मीटर अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स अजीब सा हो जाएगा आपके लिए लेकिन इनशाला आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें तो वोल्ट मीटर आपको वोल्टेज बताता रहेगा एमीटर आपको करंट बताता रहेगा कैसे बताता रहेगा ये इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट चैप्टर का बड़ा अहम हिस्सा है वोल्ट मीटर एमीटर गैल्वानोमीटर ओम मीटर वो इंशाल्लाह हम वहां पर स्टडी करेंगे ये जी आसान से स्टेट किन उस डिवाइसेस में, में सर आ, ये बताते खुद एक तो सेपरेट कंपोनेंट है ये सर्किट में इस्तेमाल होता है करंट को लिमिट करने के लिए यानी कि विद इन ये अपने आप में एक सेपरेट एक डिवाइस है जो कि हम यूज करते हैं लैब में एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए ओके okay जी थैंक यू सो रियोस्टेट रियोस्टेट वाला पार्ट जो है वो हमने कर लिया जिसमें मैंने इसको काफी गंदा किया है तो सिंपल सा टॉपिक था लेकिन चलें कोई बात नहीं सो रियोस्टेट के जरिए हम

और तीनों टर्मिनल्स को यूटिलाइज करने के लिए आ, हम क्या कर रहे हैं तीनों टर्मिनल्स को यूटिलाइज करने के लिए हमने ए और बी वाले वोल्टेज याद रखें आप इस वोल्टेज की सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये मेन सोर्स है यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक छोटे अः साल के बच्चे के पास उसके अबू से ज्यादा पैसे होना मुमकिन नहीं है सो so, ये फादर है और ये आ, उसका बेटा है ठीक है ओके okay. so uh, we can only have voltage between uh, zero and this maximum voltage जो हम यहाँ पे अप्लाई। और C वाले टर्मिनल और B वाले टर्मिनल को यूज़ करके हमने आ, ये कहा कि इस इन दोनों टर्मिनल्स को अगर हम समझ ले दो तारे निकल रही हैं दो wires निकल रही हैं यहाँ से इन दोनों वायर्स के दरमियान में हम जो भी अप्लायस लगाएंगे उसमें हम वोल्टेज को तब्दील कर सकते हैं कैसे तो मैंने पूछा था रहमान से कि अगर हम स्लाइडिंग टर्मिनल को अपवर्ड मूव करें टूवर्ड टर्मिनल ए तो अपेडेंटली इट इज क्वाइट क्लियर डेट लेंथ ऑफ विल इंक्रीज एंड लेंथ वायर की अगर इंक्रीज होगी देन इसके पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस so, uh, बढ़ने से क्या होगा वो हम अभी देखते हैं अब आते हैं अफनान के सवाल की तरफ अफनान कहते हैं भाई हमने ये इसको क्यों नहीं स्मॉल uh, आर कहा uh, A और C वाले टर्मिनल को तो उसको स्मॉल आर इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी कंसिडरेशन में ये दो टर्मिनल हैं सी वाला और बी वाला हम जो भी अप्लायंस लगाएंगे उसके वोल्टेज को हम यहाँ वो यहाँ पे वोल्टेज अपियर होंगे ए uh, को और सी को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो अगर मैं फर्ज करें आप यूज कर रहे होते और C, तो फिर ठीक है फिर अफनान की बात ठीक होती फिर हम ए और सी के दरमियान शामिल करते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि बी और सी वाले टर्मिनल कनेक्टेड हैं सो दैट इज वाई वी विल ओनली कंसिडर दिस पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्योंकि ये रेजिस्टेंस डिफाइन करेगी कि इसके हिस्से में पोटेंशियल कितना आएगा आए जी आ, अब देखते हैं अच्छा आपको याद है इससे आगे बढ़ने से पहले आपको याद है कि मैंने आपको बताया था जी थैंक यू आपको याद है मैंने आपको बताया था कि सीरीज में जो वोल्टेज है वो तकसीम हो जाते हैं तो आप जरा नोट करें यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है मैं एग्जैक्टली exactly वो तो सर्किट नहीं है जो अभी दा, दाएं जाने आपको नजर आ रहा है लेकिन अगर आप देखें तो वैसा ही काम किया हुआ है हमने वैसा ही काम हुआ है क्या कि जब दो रेजिस्टेंसिस में हो, मसलन ये कह लें ए ये कह लें इसको कह लें सी और इसको कह लें बी इसको कह लें तो एक ये वाली रेजिस्टेंस है और एक ये वाली रेजिस्टेंस है तो ये जो सी वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है ये समझ लें कि दो इस सर्किट को डिवाइड कर रहा है इनटू टू सीरीज रेजिस्टेंसिस और सीरीज में क्या होता है सीरीज में पोटेंशियल तकसीम हो जाता है कुछ पोटेंशियल वी वी के के हिस्से हिस्से में में आएगा आएगा जो इस टोटल बैटरी का है और कुछ पोटेंशियल फिलहाल हम वी ए सी को शामिल नहीं कर रहे uh, अभी हमारा काम अभी हम सिर्फ वी बी सी को यूज कर रहे हैं सो दैट इज वाई ले जी मैं वी बी सी का फॉर्मूला आपको ड्राइव करवा लू या आपके टॉपिक को समझने में बड़ा हेल्पफुल होगा तो टोटल करंट कितना है जी दैट इज आई और इस हिस्से की जो रेजिस्टेंस है Uh, इस हिस्से के रेजिस्टेंस का नाम क्या है बेटा वो है स्मॉल r स्मॉल uh, r अब टोटल करंट कैसे आता है ये मैंने शुरू में ही बताया था टोटल करंट कैसे आता है जी टोटल uh, i is equal to v ओवर r i is equal to v ओवर r सो so, i is equal to v ओवर r के मुताबिक अगर आप मैक्सिमम टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट दिस अब आप देखें कि ये जो फैक्टर मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये वाला फैक्टर ये भी है ये वाला फैक्टर क्या है दिस इज सो इसका मतलब ये है कि मेरे VBC की जो कीमत है वो directly dependent है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट कि इसके हिस्से में रेजिस्टेंस कितनी आ रही है जो कि बड़ा सादा जो कि बड़ा सादा सी बात है कि भाई अगर मैं स्लाइडिंग पॉइंट सी को बी की तरफ मूव करके ले आऊं ये स्लाइडिंग पॉइंट सी हो और ये हो बी तो इसके हिस्से में तो रेजिस्टेंस ही बहुत कम आएगी और आपको पता है जब हिस्से में रेजिस्टेंस कम आएगी तो इसके अक्रोस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की खपत होगी वो भी कम होगी सो सादा से अल्फाज में कंक्लूजन ये निकली कि हम पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में तीनों टर्मिनल्स को इस्तेमाल करेंगे और बी और सी वाले टर्मिनल में के दरम्यान में जो भी अप्लायंस लगाएंगे वो अप्लायंस uh, के अक्रॉस हम वोल्टेज को तब्दील कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं स्लाइडिंग पॉइंट को मूव करके अगर तो स्लाइडिंग पॉइंट को एक करेंगे तो इसके हिस्से की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी जब इसके हिस्से की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसके हिस्से में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी ज्यादा आएगा जरा नोट करें जरा नोट करें कि ये वाला हिस्सा ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन आपस में सीरीज में, में, में है या पैरेलल में है कोई बताएगा मुझे ये सीरीज में है या पैरेलल पेडल जी किसी का माइक ऑन नहीं हुआ फयाज आप बताएंगे ये जो मैंने हाईलाइट किया ये सीरीज में या पैरेलल में ये दोनों पॉइंट जैसे कि ये हिस्सा और ये हिस्सा पैरेलल या सीरीज में

Uh, एक फिक्स टर्मिनल ए और दूसरा वाला टर्मिनल वेरिएबल वाला सी इसको स्लाइड करें जिसके uh, अगर तो लेंथ हिस्से में ज्यादा आएगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और ये असूल है इसको एज एन एज अ प्रिंसिपल आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए कह लें कि इफ द लेंथ इंक्लूडेड बिटवीन द टर्मिनल ए एंड सी इज लेस देन रेजिस्टेंस विल बी स्मॉल एंड वाइस वर्सा फिर हमने एज अ पोटेंशियल डिवाइडर तीनों टर्मिनल्स को यूज किया और यूज करने के बाद हमने कहा कि हम स्लाइडिंग टर्मिनल को अप या डाउन मूव करके अगर तो उस स्लाइडिंग टर्मिनल और फिक्स टर्मिनल के दरमियान में रेजिस्टेंस होगी ज्यादा तो इसके हिस्से में वोल्टेज भी आएगा ज्यादा और अगर तो इसको हम मूव करेंगे बी वाले टर्मिनल की तरफ तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी जब इसकी लेंथ कम हो जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जब इसकी रेजिस्टेंस इसके हिस्से में आने वाली रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसके हिस्से में पोटेंशियल भी कम आएगा याद रखें मैं तर, एक टर्म यूज कर रहा हूँ पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होता है जब रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है सो so इट्स ये याद रखिएगा

एक मैक्सिमम करें 500 का रियो है तो 500 सो के रियो स्टैट में अगर आप देखें तो कैपिटल क्या है इसकी टोटल लेंथ है।, है तार के दो है। जीरो से लेकर कैपिटल एल तक चले लेंथ है तो उस मैक्सिमम लेंथ की मतलब है कि उसकी ये खास मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी है

टेम्परेचर चेंज होता है तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो वेरिएशन आती है टेम्परेचर के अंदर उस टेम्परेचर के अंदर आने वाली वेरिएशन को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल करंट ये उसका सिग्नल बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो याद रखें सेंसर सेंसर क्या चीज होती है कोई भी चीज सेंसर वो चीज होती है जो कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है और थर्मिस्टर भी इसी तरह के रजिस्टर्ड हैं आ, ये सेंसिटिव होते हैं क्योंकि आपको याद होगा हमने एक टर्म पढ़ी थी अल्फा और अल्फा क्या रेप्लीकेट करता था अल्फ़ा वॉज रेप्रजेंटिंग ऑफ रेजिस्टिविटी सो आ, इन मटीरियल में जब टेम्परेचर चेंज होता है ना सराउंडिंग में मसला आप ये आसानी से अवेलेबल है हमारी लैब के अंदर भी आप पानी उबालना स्टार्ट करें और उसकी टिप को जो है वो प्लेस कर दें तो यू विल सी के टेम्परेचर चेंज होगा वो टेम्परेचर के अंदर जो चेंज होगा उसे ये कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल सो so, ये दो टाइप्स के होते हैं एनटीसी और पीटीसी ये तस्करा हो चुका है पहले से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट ऐसे मटीरियल uh, होते हैं uh, जिनमें टेम्परेचर के बढ़ने से रजिस्टेंस uh, जो है वो कम हो जाती है यानी इसमें उल्टा रिलेशन है या एंड uh, वॉइसा ऑन द अदर हैंड पीटीसी में सिंपल बिहेवियर होता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होगी सो so, ये डायरेक्ट रिलेशन है अब ये बनते कैसे हैं किस चीज के बने हुए होते हैं ये मेटेलिक ऑक्साइड्स मैंगनीज ऑक्साइड निकल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड और इनकी एमलगमेशन से इनके मिक्सचर्स को हाई प्रेशर के ऊपर फैब्रिकेट uh, किया जाता है uh, जैसे uh, आप कह लें कि हम सांचे बनाते हैं ना सांचे आपकी आइस क्यूब जैसे बनते हैं ना uh, आप पानी जो है वो फ्रिज में रख देते हैं जिस शक्ल का जिस शेप का सांचा होता है उसी शक्ल में ये ढल जाते हैं

और इनको क्यों यूज किया जाता है सेंसर के लिए अब भाई मेरे लैपटॉप पिछले दिनों आ, मैं काफी सारी एप्लीकेशन यूज करा था रिकॉर्डिंग कैसे करनी है उसके लिए आ, मैंने काफी सारी एप्लीकेशन खोली जाहिर है मेरा लैपटॉप बेचारा दस आ, साल तो इसको हो चले हैं तो वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया गर्मी भी बहुत थी मैं अकेला कमरे में बैठा हुआ था और एकदम से मेरे लैपटॉप ने खूबसूरत सी बल्कि खौफनाक सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और एकदम बंद हो गया तो वो वो किसने सिस्टम चलाया होगा सारा क्योंकि मेरा बहुत देर से लैपटॉप यूज हो रहा था तो वहां पर मौजूद अंदर सर्किट में किसी थर्मिस्टर ने क्या किया उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया मेरे प्रोसेसर को मेरे कंप्यूटर के मदरबोर्ड को कि भाई इसको बंद कर दे ये बंदा ने बंद नहीं करना तुम खुद ही बंद कर दो सो so, वो सिग्नल कहाँ से आया होगा ओब्वियसली थ्रू टेम्परेचर सेंसर स्मार्टफोन्स में तो बड़ी आसानी के साथ ये यूज होते हैं दूसरी एप्लीकेशन है तो इसका मतलब है इनको एज ए टेम्परेचर सेंसर यूज किया जा सकता है दूसरा काम क्या है कुछ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट वाले जो है ना हमारे थर्मिस्टर्स। वो खास तौर पे यूज होते हैं बहुत लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये दस केल्विन को आप इजी ना लें ये दस केवन का क्या मतलब है मुझे कोई बताएगा दस केवन का क्या मतलब है दस कैलवन टेन के कितना होगा माइनस टू एटी थ्री सेल्सियस थैंक यू डियर सो माइनस टू सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस तकरीबन ठीक है तो अगर तो आप सो so, इसका मतलब है बहुत ही लो टेम्परेचर यानी एक आम थर्मामीटर uh, तो यूज होता ही होता है लेकिन ये इनका फायदा क्या है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है ना तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट में क्या होना था टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ना था, सो so, इसलिए ये ज्यादा सूटेबल हैं, ज़्यादा मुनासिब हैं, लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी तो हमने बड़ा थर्मिस्टर क्या होता है जी थर्मिस्टर जो है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर मेटल के ऑक्साइड के मिक्सचर को सांचे में ढाल के बनाए जाते हैं दो तरह के मटेरियल होते हैं एंटीसीपी सी और थर्मिस्टर करते क्या हैं ये टेम्परेचर के अंदर आने वाली वेरिएशन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उसको हम यूज कर सकते हैं सेंसर और इसको हम बहुत लो टेम्परेचर मेजर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आपकी किताब में दो दत पैराग्राफ की शक्ल में ये लिखा हुआ होगा ले जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे ना बताएं क्योंकि ये बड़ा ही आसान पार्ट है पावर क्या होती है हमने आ, पावर बड़े ही अरसे से पढ़ते आ रहे हैं पावर इज डिफाइंड जी कोई नया बंदा बोले यार कोई नई आवाज सुनना चाहता हूँ मैं ओके रहमान दोस्त बड़े अरसे से आपकी आवाज नहीं सुनी रहमान बताएंगे पावर क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिकल पावर वसीम बताएंगे आप वसीम इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है पावर सिंपल पावर बता दें जिशान आज हमारे साथ मौजूद है आपके और हमारे दरमियान में मौजूद जनाब जिशान साहब जी जीशान सो इट मीन इफ मशीन और डिवाइस डज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन स्मॉल टाइम तो अगर कम टाइम में वो काम करेगा तो पावर ज्यादा होगी और अगर उसके मुकाबले में जैसे चले मोटर की मिसाल ले लें एक मोटर जो है वो आपकी आ, पांच घंटे में एक टैंक को फिल करती है तो टाइम ज्यादा है टाइम ज्यादा होगा तो उसकी पावर कम होगी लेकिन एक मोटर है वो उसने टेन मिनट्स में आ, कम टाइम में आ, उतना ही काम कर दिया Uh, तो इसका मतलब है उसकी पावर ज्यादा सो टाइम so, के रेफरेंस से भी देख सकते हैं और uh, जो अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है उसके रेफरेंस से भी हम देखते हैं सो बोथ थिंग्स लेकिन अभी हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की ये जो अभी हमने मिसाल ली थी ये मकैनिकल पावर की थी फॉर्मूला वही है लेकिन अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है इलेक्ट्रिकल uh, पावर में जैसे मोटर की बात चल रही थी तो मोटर का काम इलेक्ट्रिकल uh, सर्किट में कौन करता है मोटर का काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोटर का काम कौन करेगा कौन करता है कौन करती है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो मोटर का काम करती है वो करती है बैटरी सो so, ये काम कौन करती है जी आपकी बैटरी बैटरी मेहनत करती है आपके चार्जेस को सर्किट में हरकत करवाने में अगर बैटरी ये मेहनत ना करे तो चार्जेस के लिए मूव करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस और वो कौन प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करती है आपकी बैटरी सो बैटरी ने चले हम मिसाल लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसको बैटरी ने पुश करना है पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल करेगा और ये मेहनत करेगा बैटरी मेहनत करेगी कि इसको ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव uh, करवाए और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा तो चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग और इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स और एनी टाइप ऑफ चार्जेस टू मूव थ्रू दिस बैरियर ये रेजिस्टेंस है ये लोड है इट्स अ बैरियर इलेक्ट्रिकल uh, लोड है सो इट विल बी अ काइंड ऑफ बल्ब या कोई फैन या कोई uh, इसके अलावा कह लें कि आयरन होगी हीटर होगा सो so, चार्जेस को मशक्कत करनी पड़ेगी वो मुशक्त करवाने के लिए कौन सी चीज इफेक्टिव है वो है बैटरी, सो so, इसलिए हम बात कर रहे हैं जी इलेक्ट्रिकल पावर क्या है द रेट एट विच रेट क्यों कहा नीचे टाइम आ गया द रेट एट विच ए बैटरी और सोर्स सप्लाइंग एनर्जी डब्ल्यू जो है ये आप वर्क भी कह सकते हैं डब्ल्यू को हम क्या कह सकते हैं एनर्जी डब्ल्यू इज नोन एज एनर्जी सप्लाइड एनर्जी सप्लाइड इन यूनट टाइम द एनर्जी सप्लाइड इन यून टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल पावर सो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच आ बैटरी सप्लाई अलैक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज एलेक्ट्रिकल पावर सो so होपफुली ये बात क्लियर होगी होगी यूनिट्स जो इसके वाट हैं अक्सर आपने देखा होगा आप लोगों की भी वाट लग जाती है जब आपकी लाइट चल जाती है बाई द वे आपके बल्ब के ऊपर वाटेज लिखी हुई होती है पंखे के ऊपर भी वाटेज लिखी होती है सो so, वाट क्या होगा अगर एक जाउल एनर्जी सप्लाई करे कोई बैटरी एक सेकेंड में तो उसकी पावर कितनी होगी वन वाट बाई द वे आगे ये फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना ही हमारा मकसद था तो so, इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद यही है तो हम ये काम करके देखते हैं so, नजर आ रहा होगा कहाँ से, से लिखा इसके लिए हम दावत देंगे आपके और हमारे दोस्त जनाब अः मेहराम खान को मेहरान खान आप जिंदा जावेद हैं हमारे साथ जिंदा जावेद जी मेहरान खान ये कहाँ से आ गया w की जगह पर ये क्या लिख दिया मैंने चलें कोई और बता दे जल्दी से रैप अप करते हैं हम आज के टॉपिक को कोई बताना चाहे चार्ज अरे होता है it इधर हम w कीमत मतलब के i हां पगले याद आया कुछ अरे वो लड़की याद आया कुछ ओए फर्स्ट वाला चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल्व जिसका आपका चलिए टेस्ट भी होना है इस मंथ के लास्ट पे मंथली टेस्ट में सो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये वोल्टेज होता है तो अगर आप क्यू को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू तो मैंने डब्ल्यू की जगह पे क्या लिख दिया है क्यू क्वाइट सिंपल उसके बाद देखें Uh, ये क्या लिखा हुआ है जी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ले जी ये क्या चीज है वट इज दिस ये हम पूछते हैं हमारे दोस्त और कोई दोस्त हैं हमारे बहुत से दोस्त हैं वैसे तो सभी दोस्त हैं हमारे अबू तलहा से अबू तलहा ये क्या है व्हाट इज दिस डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी क्या होता है अब्दुलरहमान आप है हमारे साथ अशरफ ने माइक ऑन किया है अशरफ बता सकते हैं

क्वल टू आई आर ओहम स्लो होता है लिखा ही हुआ है सामने तो V की जगह पे अगर आप आई आर लिख देंगे तो I I भाई भाई तो इनका क्या आएगा स्कल टू आई स्क्र सो ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया फिर मैं वही फॉर्मूला के मुताबिक वी P इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू I ओवर आर तो मैंने आई की जगह क्या लिख दिया आएगी वी ओवर आर तो वी वी भाई ओवर भाई, वी तो ये तीनों हैं याद रखें ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला फॉर्मूलाज वहां पर यूज होंगे जहां पर हम बात कर रहे होंगे पावर डेसीपेशन की डेसीपेशन का मतलब होता है कि एनर्जी का सरफ होना इस्तेमाल होना कंज्यूम होना तो कहाँ कहाँ पे आ, ए, पावर जो है वो कंज्यूम होती है जी न, आ, मुझे काउंट करके बताएं आ, कुछ डिफरेंट नेम बताएं कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती हैं जी अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान है साथ? अब हमारे साथ अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद नहीं है आ, जी चले बताए हमारा कंप्यूटर लैपटॉप थैंक यू बिल्कुल तमाम ऐसे अप्लायसेज में जो जाहिर अप्लायसेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं आपका पंखा आपका बल्ब आपका हीटर आपका आपके मोटर आपका जेनर, आपका जनरेटर कहने लगा था आपका मोबाइल फोन सो ये सब पावर डेसीपेट करते हैं सो बिकॉज दे हैव सम को इनके अंदर से गुजरने के बाद थकावट का सामना करना पड़ता है मसला एक इलेक्ट्रॉन जो है, वो यहाँ से जब निकलेगा तो यहां से निकलेगा फुल एनर्जी के साथ फुल एनर्जी के साथ बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सुबह सवेरे उठे हैं बिल्कुल फ्रेश है और आप में अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ रही फुल एनर्जी के साथ और जब ये खपत होगी यहाँ पे अब आपके लेक्चर हुआ पहले दो तीन चार पांच सात लेक्चर हो गए भी आपका फर्ज करें तो सात लेक्चर के बाद जब इस इलेक्ट्रॉन को आप देखेंगे तो इस बेचारे की जो एनर्जी है वो उसकी खपत हो गई है इस लोड में से हम इस लोड के यहाँ पे कोई बल्ब लगा सकते हैं ये करें आपका कॉलेज है जहां पर आपकी एनर्जी काफी यूज हुई, फिर आप थके थके वापस आएंगे और सर्किट में इलेक्ट्रॉन का एक राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी देगी बिल्कुल उसी तरह से जिसका तरह माँ के हाथ के पराठे होते हैं लस्सी का गिलास होता है और कह लें कि साथ आइसक्रीम भी खिला दी तो ना दिला सर बहुत भूख लगी है चले कोई बात नहीं मैंने अच्छा किया याद करवा दिया अः uh, मैं तो भी लस्सी पी के uh, पराठे वगैरह खा के आपको बैठाना शुरू किया था फिर भूख लागे चलने ठीक है सो इट मीन के इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है तो ये दोनों फार्मूलाज हैं पावर कंजम्पशन के जब पावर सप्लाइड की बात होगी तो क्लियर कर लें जी दिस इज दिस दिसमूला इज फॉर पावर सप्लाइड दिस वन इज फॉर पावर सप्लाइड Uh, चले हैं ऐसे मेरे ख्याल से काम चल जाएगा दिस वन इज फॉर पावर सप्लाइड यानी अगर मैं कौन मुझे कोई कहे अब कौन सप्लाई करता है जी बैट पावर जनरेटर सप्लाई करता है बैटरी uh, सप्लाई करती है सोलर पैनल सप्लाई करता है सो so, इनकी जो पावर होगी उस पावर को हम कहेंगे इट विल बी कॉल्ड एज पावर सप्लाइड वेर एज दीज टू फॉर्मूलाज आर फॉर पावर डेस्टिपेशन अक्रॉस द लोड्स जी जी मिठल बताएं <laughs> अगर पावर सप्लाई करने से भी तो पावर डिसिपेशन होगी ना खर्च तो उधर भी तो होगा कहाँ पर होगा कहाँ पर होगा खर्च सप्लाई करें सर पूरे वायर से गुजरेगा सर्किट से तो कुछ तो खर्च होगा सर पावर डिसिपेशन हाँ जनरली देखें वायर के अपनी एक रेजिस्टेंस होती तो है बहुत होती है इसी वजह से तो इतने ज्यादा लाइन लॉसेज हैं पाकिस्तान के अंदर आ, लेकिन बाय द वे फिलहाल आप एक छोटा सा सर्किट देख रहे हैं इस सर्किट में आप देखें तो वाइड में हम ये सपोज करेंगे कि इसकी नेगलिजेबल रेजिस्टेंस है बिल्कुल ओहमिक है और सिर्फ यहाँ पे यूज होगा कंज्यूम होगा सो so बैटरी ने जो पावर है वो सप्लाई करनी है आपकी जो बात है उसको हम कल बड़े अच्छे तरीके से दिखेंगे कल मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी की अपनी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है लेकिन फिलहाल आप ये बात नोट करें कि मैं अगर बात करू बैटरी की कि भाई बैटरी जो है वो उसके ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट के साथ फर्ज करें उसने लिखा हुआ है 1 मिली एम फर्ज करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पावर आ जाएगी लेकिन यहां पर जब पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना तो हम P इज इक्वल टू वी आई वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे वो मुनासिब नहीं है बल्कि यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर हम यूज करेंगे इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ले जी अच्छा ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ठीक है uh, मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसमें से वी को कैसे निकाल सकते हैं और मैंने दोनों तो ही आर आर लिख दी अच्छा जी ठीक है मैं यूज सो इट विल बी समथिंग लाइक थैंक यू इट विल बी समथिंग लाइक दिस पी आर और इसका स्क्वायर uh, रूट मसलन अगर आपको कहा गया हो कि भाई ये आ, एक सौ वाट का बल्ब है ये एक हंड्रेड वाट का बल्ब है और हंड्रेड वाट के इस बल्ब में की जो रेजिस्टेंस है ना वो पांच सौ होम है तो हम कैसे हम निकाल सकते हैं कि इसको जो एग्जैक्टली exactly हमने कितने वोल्टेज हम वो सब सप्लाई की हुई है ठीक है सो पावर को रेजिस्टेंस और यू कैन डू दिस वेरी सिंपली या एंड जनरली घरों में जो uh, तो वो वोल्टेज सप्लाई होते हैं तो वो वो 220 वोल्ट हैं तो so, भी दो चीजें गिवन हो ना इनमें से पावर या रेजिस्टेंस तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको एमसीयू के लिए याद रखिएगा यहाँ पे हम आज वाले टॉपिक को इस लेसन से uh, खत्म करते हैं नहीं जी आज का हमारा जो लेसन है ये फ्रैंकलिन uh, कोवे की जो ट्रेनिंग हमने अटेंड की थी उसी में से ये एक पार्ट है वो है जी वही वाला पार्ट uh, कौन सा हम पढ़े थे हेडिंग बिगन विद द एंड इन माइंड तो अगर आपकी कोई हैबिट है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से आप उसको तब्दील कर सकते हैं बहुत सी आदत होती है हमारी कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं अगर हम فرض करें मेरी एक बुरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट मैच देखता हूँ तो भाई मैं अभी टेस्ट मैच भी देखना शुरू कर देता हूँ पांच दिन का टेस्ट मैच होता है तो इसका मतलब मेरे पांच दिन तो बस चले गए हो गए तो ऐसी कोई आदत जो आपकी टाइम वेस्टिंग है जो आपकी स्टडीज को डिस्टर्ब करती है आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसको कैसे स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और इसको क्यों करना है भाई बहुत बड़ी आदत है मैं चेंज करना चाहता हूँ Uh, करना क्या है मैंने uh, बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत को uh, छोड़ना है ये मुझे पता है अपने बारे में फिर इसके बाद कोई ना कोई इसके साथ किस तरह करना है जी इसके लिए कोई ना कोई स्किल्स कोई भी काम करने के लिए कोई भी है बिट के लिए आपको स्किल्स सही होते हैं वो स्किल्स uh, यूज करेंगे हम स्किल्स के बगैर जो है वो uh, किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करना uh, बड़ा मुश्किल है और फिर डिजायर है ये बड़ी अहम चीज है ये बड़ी अहम हाँ चीज है क्योंकि कोई भी चीज जो है वो आपको उस चीज की चाहत के बगैर वो नहीं मिल सकती और चाहत के साथ आपकी नीयत जुड़ी हुई होती है जब आपको किसी चीज को अचीव करना हो और आप दिल से उसको चाहती हो कि भाई ये मेरी खामी है या खराबी है इसको मैं ठीक करना चाहता हूँ एकदम दिल में एहसास बेदार हो तो वो डिजायर वो विल पावर बड़ी अहम है सो so इन विल पावर्स है वो आपको वो एनर्जी देती है जिससे आप अपने स्किल्स को यूज करके और अपनी नॉलेज को यूज करके अपने हैबिट को चेंज कर सकते हैं या कोई नया हैबिट अच्छा हैबिट डेवलप कर सकते हैं सो थैंक यू मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारा आज का सेशन uh, जो है वो यूज हो गया है uh, खत्म हो गया है और uh, जहां जहाँ से ये सोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन ली है इनका बहुत शुक्रिया थैंक uh, यू हम यहाँ से रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं uh